खिलाफ तफसीस इंसाफी अमल शुरू किया और वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ जंग का आगाज किया। तमाम रियासती इदारों में बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। गुज़श्ता हुकूमत में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके पेट्रोल पम्प और सिनेमाघर, कमर्शियल प्लाजे, वैगन स्टैंड बनाए, अरब रुपए की टैक्स चोरी, कन्वर्शन फीस व दीगर मासूलात चोरी किए और मुल्की इदारों की जड़ें खोखली करने में कोई कसर उठा न रखी। गुज़श्ता दौर हुकूमत में इदारों और सियासतदानों के गठजोड़ से मुल्की खजाने को अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमने आते ही इदारों को सियासी मदाखलत से आज़ाद किया और खुद मुख्तियार बनाया, जिसका नतीजा यह है कि इन्हीं इदारों ने 5 अरब रुपए से जायद की मालियत की सरकारी अमलाक और ज़मीनें बागुजार कराई, जिसमें शहरी और देहाती इलाकों की अरबों रुपए की लाखों एकड़ अराजी शामिल है। हमारी हुकूमत तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजमू तौर पर 425 अरब रुपए की 1,44,439 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से वागुजार कराई गई। मैं समझता हूँ कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती और मैं ये समझता हूँ कि तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन वक्त की अहम जरूरत है और ये ऑपरेशन दराज इतिहास किया जा रहा है और मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। ये कीमती सरकारी अराजी कब्जा माफिया से महफूज किया जा सकेगा। अब मेरे इलम में ये बात आई है कि यही कब्जा माफिया मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जमीनों पर साला साल से काबिज हैं, जिनमें महकमा अवकाफ की 90,516 किनार और महकमा जंगलात की 5,997 एकड़ अरबों रुपए की मालियत की जमीन भी कब्जा माफिया के जेर तसल्लुत है। इस हवाले से मैंने आज इन महकमों के मुतल्लिका सेक्रेटरी साहबान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी कर दी है कि सख्त क्रैकडाउन शुरू करके ये जमीनें इस माफिया से जल्द अज जल्द बागदार कराई जाए और इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ ये ऑपरेशन हमारी जमात PTI और हुकूमत की आम तरीन मकासद में शामिल है। सरकारी जमीन वागुजार कराने के बाद मजीद मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो कि अवाम के खिलाफ बहबूद पर मबनी होगी। इस काम के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब भी शामिल है। इंशाअल्लाह शब और रोज मेहनत करके सरकारी जमीन को कब्जा माफिया से वागुजार कराई जाएगी और पूरे पंजाब में अरबों रुपए की मालियत की वागुजार कराई गई जमीन को अवाम की फलाह बहबूद के मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। शुक्रिया। और आपको तो
मेरे ख्याल में अगर आप सारे दोस्त सवाल करते हैं तो एक ही दफा अगर मैं सबका जवाब दे दूं। मेरा सवाल ये है कि जज का इलेक्शन हो गया, इसमें इलेक्शन कमीशन ने अदालत ने जवाब दिया कि पंजाब और उमर ने मन पसंद इस्लाम को लगाकर इलेक्शन को जान बूझ कर नादे बनाया। अब सेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें इलेक्शन कमीशन पर बाकी जाने से बेहतर आप बताए जा रहे हैं, ये पहले बता दीजिएगा कि क्या आप भी चीफ इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा करेंगे या उनके इस बयान पर स्टेटमेंट का गैर मुमकिन करेंगे। दूसरी जानिब जो वज़ीर ख़ज़ाना ने ये तलाश की है कि जो शय जरूरी है वो उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ऐसा क्या हुकूमती तय करते हैं कि रमजान गुजारों के बाद भी अवाम को रिलीफ दे सके, उसके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है? मियां साहब मोहसिन बिलाल सभा टीवी से, दो लोग के माता आपको क्लियर की प्रार्थना साहब ने कि आप पर एक बात की साथी ने कहा है कि जब तक मैं 5 साल तक गुजार की सियासत कर देंगे। हमने ये देखा कि हर एक माह बाद आपकी तब्दीली की बात में सुनाई देती है, उसमें जो आपकी इतिहादी की बात है काफी वो भी थोड़ा प्रापोगेंडा करती है, अपोजिशन भी प्रापोगेंडा करते हैं, लेकिन कुछ आपकी कबीना के मुद्रा के ऐसे हैं कि जिनको आपका अच्छा काफी एक आप नहीं पाता और वो शिकायतें लेकर भी चिड़ियालों के पास जाते हैं, तो ये बताइएगा हमने 5 साल तो रहे हैं तो आप अपनी इसी टीम के साथ कंटिन्यू करेंगे या आप अपनी कुछ जितने एक्शन किए हैं वो आम के मफाद की खातिर हमने किए हैं,
ताकि इसका ज़्यादा कम से कम इससे लोग अफेक्ट हों। और इसके साथ ही हमने जो वैक्सीनेशन है वो पूरे पंजाब के अंदर स्टार्ट कर दिया। आपको पता है कि 114 सेंटर्स हमने बनाए हैं जो पंजाब के अंदर जो काम कर रहे हैं, और इसमें जो बड़े शहर हैं उसमें हम ये भी करने जा रहे हैं कि बसेस से हम जो एल्डरली लोग हैं उनको हम वहाँ से पिक करें और उनकी वैक्सीनेशन करके दोबारा उनको हम ड्राप करें। तो इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बड़ी अच्छी तरह कोरोना को डील किया है और पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया, तो इंशाल्लाह अब भी करेंगे और इसमें एहतियात की बड़ी ज़रूरत होगी। इसके बाद आपने सवाल किया था कि महंगाई है और रमज़ान शरीफ आने वाला है, उसके रमज़ान पैकेज के हवाले से आपने क्या इकदाम किए हैं। तो इस सिलसिले में कल ही हमारी मीटिंग हुई है और उसमें हमने इन डिटेल में तमाम चीज़ों को डिस्कस किया और रमज़ान पैकेज को हमने फाइनल किया। इस दफ़ा इंशाल्लाह हुकूमत पंजाब 7 अरब रुपए से ज़्यादा की रिलीफ देगी पंजाब के लोगों को, और जो रेट्स हैं उसको तो हम इंशाल्लाह 2018 के जो रेट्स थे वहाँ पर हम लाभ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह का रिलीफ शायद ही कभी दिया गया हो इस रमज़ान पैकेज में। इसके बाद आपने बात की है डस्का इलेक्शन की और इलेक्शन कमीशन की, तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को डस्का वाला इलेक्शन तो नज़र आ गया और सेनेट का जो इलेक्शन हुआ वो नज़र नहीं आया। डस्का में जो कुछ हो गया वो नज़र आ गया और सेनेट में उनको के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो उनको नज़र नहीं आया। बाकी आप बात मेरी समझ गए। इसके अलावा जो आप कहते हैं कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता है, मैं तो ये कहता हूँ कि जब मैं वज़ीर आला नहीं बना था उस दिन से मेरे खिलाफ शुरू हो गया जब मैं नहीं था, तो ये कंटिन्यूस सिलसिला है, हर कुछ दिनों के बाद चलता रहता है। मैं इनको बाधा नहीं करता, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सूबे की आवाम की जितनी खिदमत कर सकता हूँ मैं उनकी खिदमत करूँ और उनको रिलीफ दूँ, यही मेरा एजेंडा है, यही मेरा मिशन है। इसके बाद जो लोगों की तनख्वाहों का मसला है, महंगाई बढ़ गई है, फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक एडहॉक रिलीफ दिया, इंशाल्लाह बजट में हम भी उनके साथ बैठेंगे अपने तमाम लोगों के साथ अपनी टीम के साथ। आप दुआ करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छाई होगी और हम लोगों को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।